फ्रेंड्स आजकल मेरी मेरे दोस्तों से नहीं पट रही है, मतलब मेरी मेरे दोस्तों से बातचीत आजकल नहीं हो रही है, उसकी ना अपने दोस्तों से कभी नहीं पटती है, यू नो राहुल की ऑफिस में किसी से नहीं पटती है, राहुल की ऑफिस में किसी से बातचीत नहीं होती है, किसी से नहीं पटती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ करेंगे इंग्लिश में हम लोग ऑन स्पीकिंग टर्म्स या ऑन टॉकिंग टर्म्स। आपको करना यह है कि पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद इज एम आर यूज़ करना है, उसके बाद फिर आपको नॉट लगाना अगर नहीं है तो, और उसके बाद ऑन स्पीकिंग टर्म्स बोल दें या ऑन टॉकिंग टर्म्स बोल दें, उसके बाद विथ लगाना है, उसके बाद पर्सन यूज़ करना है। जैसे आपका कि आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विथ माई फ्रेंड, मेरी आजकल मेरे दोस्त से बातचीत नहीं हो रही है। राहुल के ऑफिस में किसी से बातचीत नहीं होती है, किसी से नहीं पड़ती है, तो राहुल इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद एनीवन, या राहुल इज नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद एनीवन। यार उसकी ना किसी समाज में किसी से भी बातचीत नहीं होती है, उसकी समाज में किसी से भी नहीं पड़ती है, तो ही इज नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद एनीवन इन द सोसाइटी। यार आलोचना करने वाले लोगों की ना समाज में किसी से नहीं पड़ती है, तो क्रिटिसाइजर्स आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद एनीवन इन द सोसाइटी। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस करने के लिए हम लोगों को यूज करना ऑन टॉकिंग टर्म्स या ऑन स्पीकिंग टर्म्स। इट्स वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है, आपकी इंग्लिश को और भी इन्हेंस करेगा, राइट? आपकी इंग्लिश में और भी ब्यूटी आएगी अगर इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। फ्रेंड्स देखते रहें, कीप वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।